लोग आपको सर्च कर रहे हैं कि मुझे मसाला चाहिए, मुझे ये ब्रांड चाहिए, स्नैक्स चाहिए, चिप्स चाहिए, शुगर चाहिए, टी पैकेजिंग चाहिए, बट आप ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे कंज्यूमर नहीं है तो कस्टमर सर्च कर रहे हैं, जिन्हें बिजनेस करना है उन्हें हेल्प कर सकते हैं। आप थोड़ा ब्रॉड सोचिए। छोटे लेवल पर फैक्ट्री लगाने वालों के लिए पांच बर्बादी के कारण। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं कि मैं अपने प्लांट एंड मशीन लगाऊं या ना लगाऊं, और जिन्होंने लगा दिए हैं ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से लोग अपना छोटे लेवल पर जब फैक्ट्री प्लांट मशीन लगाते हैं उसके बाद में वो अटक जाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाकर अपना बिजनेस डुबो दिया है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूं कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में हमने एक ऐसा इकोसिस्टम देखा मार्केट में कि आप अगर अपना बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं मशीन एंड प्लांट लगाकर, तो आपको किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल्स करना चाहिए और कैसे अपने बिजनेस में एक अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले होता क्या है मार्केट में, जैसे कि एक राजेश है और वो बिहार के रहने वाले हैं। अब राजेश के में आया कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और अपना मसाले का व्यवसाय मैं अपने घर से ही स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने यूट्यूब पर देखा है मशीन एंड प्लांट लगा के बहुत सारे लोग बिजनेस बना रहे हैं। उसके मन में ये डिजायर आती है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है देखा देखी करके। अब देखा देखी हो गई है तो वो जैसे ही मशीन लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद में मार्केट में प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। राजेश को बाद में पता लगता है कि कैसे प्रोडक्ट बिकता है, कैसे प्रोडक्ट को एग्जैक्टली मार्केट में नीड थी, और वहां पर रिटेलर होलसेलर उस प्रोडक्ट को लेने से मना कर देते हैं। राजेश को आभास होता है कि कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह से सोचा था, लोगों ने बताया था कि प्रति घंटा ये मशीन इतना कमा कर देगी या ये बिजनेस में मैं इतना कमाऊंगा, रियलिटी तो कुछ और है। राजेश थोड़े दिन और मेहनत करता है और एक दिन वो थक कर हार जाता है और फिर क्या कहता है कि या तो मशीन वाला खराब था, वो प्रोडक्ट खराब है जो मैं बेच रहा हूं, या फिर ये मार्केट खराब है। पर राजेश कभी ये नहीं सीख पाता है कि आखिर उसने ही बिजनेस की स्टार्टिंग गलत तरीके से करी थी। तो यहां पर सबसे बड़ा जो कारण है, पहला कारण कि छोटी फैक्ट्री लगाने के बाद में लोग अटक जाते हैं, इसमें कारण आप हैं जो भी अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? देखिए, सबसे पहले अगर आप अपना कोई बिजनेस मशीन एंड प्लांट लगाकर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण पहला पॉइंट यही है कि यहाँ पर बहुत से एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस की स्टार्टिंग के कुछ ही समय में अपने प्रोडक्ट बनाना बेचना बंद कर देते हैं और प्लांट को वाइंड अप करके कुछ और काम करने लग जाते हैं या फिर नया बिजनेस आइडिया रिसर्च करने लग जाते हैं। अगर आप ऐसे ही लोगों को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि आपकी नज़र में ऐसे कौन से लोग हैं। कारण देखिए स्पष्ट ये है, कारण है कि आप अगर नॉलेज को कलेक्ट नहीं करेंगे पहले बिजनेस से कि भैया मार्केट सर्वे कैसे होता है, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर क्या है, बिजनेस कॉम्पिटिटर क्या है, बिजनेस में SKU कौन से चलेंगे, प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, कस्टमर अवेयरनेस है या नहीं है प्रोडक्ट की, ब्रांड अवेयरनेस है या नहीं है, इसके साथ साथ कस्टमर रिजेक्शन है या नहीं है, और कस्टमर रिजेक्शन है तो कौन से प्रोडक्ट्स के हैं, किस तरह से कस्टमर को एंगेज करना है, कैसे प्रोडक्ट का हुक देना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बिजनेस के हिसाब से देखनी होती है। पर गलती क्या होती है कि हम अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर देते हैं एक मशीन लगाने के बाद में, देखते हैं कि प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचेंगे। तो इस तरह से बिजनेस की स्टार्टिंग करने के वक्त लोग फंस जाते हैं। तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। सो सेकंड पॉइंट है रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यस, दैट इज ट्रू। बहुत से लोग अपना, जब भी एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, चाहे बिहार में करें, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कहीं पर भी करें, छोटे शहर से, छोटे गाँव से, उनके सामने एक ही चीज होती है कि मैं एक कॉपी प्रोडक्ट लेकर आना चाहता हूँ। जो पहले जैसे MDH चल रहा है तो उसका कॉपी करने का सोचते हैं, पैकेजिंग नहीं होती है तो बने बनाए पाउच लाने का सोचते हैं, ये भी नहीं होता है तो किसी ना तरह से एक जुगाड़ लगाते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि पूरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में जाकर फंसता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मतलब जहां एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से मार्जिन, डिस्काउंट, ऑफर के लिए लड़ रहे होते हैं। कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन चाहिए। इसी वजह से आज के समय 90% लोग कभी जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो फॉर्मूला तक सीमित हो जाते हैं कि जैसे मसाला बनाना है तो मसाले का फॉर्मूला देखेंगे, उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा एज अ ब्रांड वो कभी सोचते ही नहीं है।
अब मैं आपको इस पर डीपर लेकर चलता हूँ। जैसे कि सोचिए आपने एक मसाला बनाना है, अब आपने उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करा, अब उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है, फॉर्मूला से नहीं, उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उस प्रोडक्ट की एग्जैक्टली शेल्फ लाइफ क्या देंगे, उस प्रोडक्ट पर आप किस तरह से अपने कस्टमर्स कंज्यूमर्स को हुक देंगे कि उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाने से प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसको पैकेज आप कैसे करते हैं इस तरह से प्रोडक्ट बनता है और ऐसे बिकता है। अब छोटी फैक्ट्री जो लगाते हैं उनका माइंडसेट होता है बस मैंने प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, यहीं अटके रहते हैं। ये बर्बादी का दूसरा कारण है। सीखो, समझो और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मार्केट के हिसाब से लॉन्च करो। थर्ड प्रोडक्ट है मार्केटिंग टूल स्ट्रेटेजी। देखिए, आप अपने प्रोडक्ट को तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक आप कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग टूल लेकर ना जाएं। मार्केटिंग टूल होते क्या हैं? जैसे मर्चेंडाइजिंग, ब्रोशर, कैटलॉग, शेल्फ स्ट्रिप, इसके अलावा डैंगलर हो गए, तो ये सब एक कहीं ना कहीं मार्केट में आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये टूल्स बनाए जाते हैं। बट आप में से जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं आज के समय, वो मार्केटिंग टूल्स को सोचते भी नहीं है, एक विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं। अरे भाई, विजिटिंग कार्ड से आज के समय सिर्फ और सिर्फ वो आपका नंबर देख पाता है। आपको चाहिए अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना उस काउंटर लेवल पर, उस मार्केट लेवल पर, एज अ फैक्ट्री जब आप चल रहे होते हैं। तो मार्केटिंग टूल्स ना होने की वजह से बिजनेस स्ट्रगल में चलता रहता है, कस्टमर एक्वायर नहीं हो पाते हैं, कस्टमर समझ नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई कॉपी ब्रांड है, चल तू रख जा प्रोडक्ट, बाद में तुझे पैसा दे दूंगा, क्रेडिट पर माल उठाते हैं लोग आपका। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सबसे पहले मार्केटिंग टूल्स को बनाओ, अपने आप को एज अ ब्रांड लेकर चलो, ताकि आप कस्टमर कंज्यूमर्स के सामने अपने नाम से पहचाने जाओ। तो थर्ड प्रॉब्लम ये है, इसकी वजह से छोटे फैक्ट्री प्लांट वाले लोग बंद कर देते हैं अपना बिजनेस। फोर्थ जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कभी ऑनलाइन मार्केट को रिसर्च न करना। तो आज के समय सिस्टम सेटअप प्रॉब्लम इन ऑनलाइन मार्केट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, आज आप के जैसे ऑफलाइन मार्केट है, आपका तहसील है, आपका आपके गांव हैं, आपके गांव के अलावा आपके वार्ड हैं, आपके वार्ड के अलावा टीयर 3 मार्केट है, टीयर 2 मार्केट है, टीयर 1 मार्केट है, ऐसे ही एक ऑनलाइन मार्केट है, सोशल मीडिया की मार्केट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इंडिया मार्ट है, गूगल माय बिजनेस है, जस्ट डायल है, इसके अलावा वेबसाइट है, आपका ट्रैफिक कैसे आप लेकर आते हैं, वो चीज़ें हैं। तो आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन में बनाना चाहिए, एक तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, फिर थर्ड होता है आपका बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। जब आप ऐसे बनाते हैं बिजनेस को तो आपके लिए कस्टमर्स की कमी नहीं रहती है। तो प्रॉब्लम यह है कि आज के समय जो एक छोटा प्लांट या फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, वो धंधे को सिर्फ अपने प्लांट से बनाना चाहते हैं। अब देखो, कस्टमर आपके पास में कैसे आएंगे? आपके मोबाइल के जरिए आएंगे। तो मोबाइल के जब जरिए आते हैं तो ऑनलाइन मार्केट में अवेयरनेस, लीड्स जनरेशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से आज लोग अटके हुए हैं। लोग आपको सर्च कर रहे हैं कि मुझे मसाला चाहिए, मुझे ये ब्रांड चाहिए, स्नैक्स चाहिए, चिप्स चाहिए, शुगर चाहिए, टी पैकेजिंग चाहिए, बट आप ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे कंज्यूमर नहीं है तो कस्टमर सर्च कर रहे हैं, जिन्हें बिजनेस करना है उन्हें हेल्प कर सकते हैं आप थोड़ा ब्रॉड सोचिए तो आपको जाके बिजनेस मिलेगा। फिफ्थ जो प्रॉब्लम है बिजनेस में, वो है कस्टमर रिजेक्शन को इन्विटेशन न बनाना। तो कस्टमर रिजेक्शन इज अ इन्विटेशन। फिफ्थ पॉइंट है, छोटे फैक्ट्री प्लांट वाले लोग अपने बिजनेस में बर्बादी करते हैं जब कस्टमर्स के रिजेक्शन को इन्विटेशन नहीं बनाते हैं। इस पर मैं डीपर सेशंस लेता हूं। मेरा जो विजन है बिजनेस आइडिया से सेल्स तक का, सेम यही है कि कामकाजी में जो जुड़ जाए उन्हें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेल्स तक एक ऐसा पैटर्न मिले जहां पर वो अपने कस्टमर्स को एज अ, जब भी उन्हें रिजेक्शन मिले वो इन्विटेशन ही माने। तो आपको क्या सोचना है अपने बिजनेस में? सबसे पहले जब भी कस्टमर्स का रिजेक्शन है उसे इनविटेशन में बदलना है, अपने मार्केटिंग टूल्स देकर, अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी, सेल्स की स्ट्रेटेजी, पर्सनल फॉर्मूला स्ट्रेटेजी, FMCG सेल्स ग्रोथ, सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर्स रन होती हैं, ये सब आपको अपने कस्टमर्स कंज्यूमर्स के लिए करना चाहिए। आई होप आप समझ पाए होंगे ये 5 जो कारण हैं इन्हें आप ना करें, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे चार्मिंग वीडियोस देखे होंगे, मशीन लगाओ, प्लांट लगाओ, पर धंधा बनाओ, बनता नहीं है। तो जितना दाल रोटी चल रही है उतना अगर आप कमाना चाहते हैं तो सही है, आप करते रहिए, थोड़ा बहुत आता रहेगा, थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे। पर अगर आपको बियॉन्ड जाना है, मार्केट को समझना है, तो सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और अपने बिजनेस में एक ब्रांड बनाना होगा, सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे काम होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शिकायत है मुझसे, कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।